बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स के दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कितनी टाइप्स हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट। रेट का मतलब है स्पीड ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो स्पीड के लिहाज से रिएक्शन तीन तरह के हो सकते हैं। रिएक्शन फास्ट भी हो सकते हैं, स्लो भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं। अब इनकी डेफिनेशन इनके नाम के अंदर ही है। फास्ट रिएक्शन का मतलब है जिनका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो, स्लो रिएक्शन का मतलब है जिनका रेट ऑफ रिएक्शन कम हो, और मॉडरेट रिएक्शन का मतलब है जिनका रेट ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डील विद फास्ट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो बहुत तेजी से हो जाएं, जो नैनो सेकंड्स में कंप्लीट हो जाएं, द रिएक्शन विच टेक प्लेस इंस्टेंटली। ऐसे रिएक्शन जो चंद लम्हों में कंप्लीट हो जाएं, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन इतनी तेजी से होते हैं कि हम इनका रेट ऑफ रिएक्शन इजीली मेजर नहीं कर सकते, आम टेक्निक से मेजर नहीं किया जा सकता, इसके लिए स्पेशल टेक्निक्स हैं। फास्ट रिएक्शन प्रोसीड्स विद सो मच स्पीड दैट वी कैन नॉट डिटरमिन देयर रेट्स विद कन्वेंशनल टेक्निक्स। फास्ट रिएक्शन का रेट कन्वेंशनल टेक्निक्स के साथ फाइंड नहीं किया जा सकता, और आमतौर पर फास्ट रिएक्शंस आयनिक होते हैं, यानी मोस्टली फास्ट रिएक्शंस इन्वॉल्व आयंस। फॉर एग्जांपल, एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन, ये फास्ट रिएक्शन है। सिमिलरली अगर आप सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन ऐड करें, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में सिल्वर आयंस और नाइट्रेट आयंस होंगे, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस होंगे, तो ये सिल्वर आयंस इन क्लोराइड आयन के साथ मिलकर प्रेसिपिटेट बना लेंगे सिल्वर क्लोराइड का, और ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट सेटल डाउन होगा। जो ही आप सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालेंगे, फौरन वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ये रिएक्शन नैनो सेकंड्स में होगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फास्ट रिएक्शन। घरों में जो टैप वाटर होता है, इवन जो आप फिल्टर वाटर भी लेके आते हैं डिफरेंट कंपनीज का, उनमें भी क्लोराइड आयन होते हैं। तो अगर आप पानी का सैंपल लें, उसमें सिल्वर नाइट्रेट के चंद ड्रॉप्स डाल दें, तो ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फौरन बन जाएगा। अनदर एग्जांपल ऑफ फास्ट रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रांग एसिड बाय स्ट्रांग बेस। स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस की न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस, ये भी आयनिक रिएक्शन है और ये बहुत फास्ट रिएक्शन है। दीज रिएक्शन कंप्लीट्स विद इन विंकिंग ऑफ आईज, यानी ये जो आयनिक रिएक्शन है ये पलक झपकने में कंप्लीट हो जाते हैं 10^-7 सेकंड में। एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में आयनिक रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो इसे आप इमेजिन करें हाउ फास्ट दीज रिएक्शंस आर। दे टेक प्लेस, दे आर कंप्लीटेड इन विंकिंग ऑफ आईज। कुछ कोवलेंट रिएक्शन भी ऐसे हैं जो वेरी फास्ट होते हैं, यानी कुछ ऐसे रिएक्शन भी हैं जिनमें आयंस नहीं इन्वॉल्व होते फिर भी रिएक्शन फास्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, इसकी डीकम्पोजिशन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है और ये रिएक्शन भी बड़ा क्विक है, एंड इट टेक्स प्लेस विद एक्सप्लोजन। सिमिलरली फ्यूल की बर्निंग का प्रोसेस भी फास्ट रिएक्शन है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ऑफ फ्यूल, नेचुरल गैस, गैसोलीन बिलखसूस, ये जो दो फ्यूल हैं इनकी बर्निंग बहुत फास्ट होती है। तो बर्निंग ऑफ सम फ्यूल्स लिख लें, क्योंकि कुछ फ्यूल्स स्लो बर्न होते हैं, लेकिन नेचुरल गैस और गैसोलीन, ये तो हमारा एवरीडे लाइफ का एक्सपीरियंस है। दीज रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, एंड दीज रिएक्शन टेक प्लेस जस्ट इन 10^-15 सेकंड्स। 10^-15 सेकंड में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। देयरफॉर द ब्रांच ऑफ केमिकल काइनेटिक्स विद डील विद सच रिएक्शन इज कॉल्ड फेमटोकेमिकल काइनेटिक्स। ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं फेमटो रिएक्शंस। सिमिलरली द रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट टू फॉर्म सोडियम एसिटेट, इट इज ऑल्सो वेरी फास्ट रिएक्शन।
नौ मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनके रेट को हम इजीली मेजर कर सकते हैं। दीज रिएक्शंस प्रोसीड विद इंटरमीडिएट वेलोसिटी, दे आर आल्सो कॉल्ड आइसोलेटेड रिएक्शन एंड देयर रेट्स कैन बी डिटरमाइंड इजीली। मॉडरेट रिएक्शंस ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, यानी ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी, ऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स भी इनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रो आयोडिक एसिड, इट इज मॉडरेट रिएक्शन। एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस होती है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और इसमें बनता है एस्टिक एसिड और एस्टिक एसिड एंड इथाइल एसीटेट, दिस इज ऑल्सो मॉडरेट रिएक्शन। तो यहां पर एसिड एज ए कैटलिस्ट है, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन, एसिड हाइड्रोलिसिस, और वी कैन से एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस। कुकिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो मॉडरेट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो मॉडरेट रिएक्शन। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड की डाइजेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी में 4-5 घंटों में मैक्सिमम इतना टाइम ही लेता है, बल्कि इससे पहले कंप्लीट हो जाता है। एंजाइम की प्रेजेंस में डाइजेशन ऑफ फूड मॉडरेट रिएक्शन है, और अगर एंजाइम प्रॉपर अमाउंट में, सुटेबल अमाउंट में ना हो तो फिर ये स्लो प्रोसेस है। तो हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने जो एंजाइम पैदा किए हैं इनकी वजह से फूड की डाइजेशन 4-5 घंटों के अंदर अंदर ही हो जाती है। अगर एंजाइम्स ना हो देन डाइजेशन ऑफ फूड मे टेक 50 ईयर्स फॉर डाइजेशन, यानी एंजाइम्स की वजह से जो फूड 4-5 घंटे में या उससे भी पहले डाइजेस्ट हो जाती है, अगर एंजाइम ना हो तो इसकी डाइजेशन 50 साल के अंदर भी ना हो। नाउ स्लो रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शन जो कई वीक्स में, कई मंथ्स में या कई ईयर्स में कंप्लीट होते हैं, दे आर कॉल्ड स्लो रिएक्शंस। अब ये रिएक्शंस भी थर्मोडायनामिकली फिजिबल होते हैं, थर्मोडायनामिक्स कहती है ये कि ये रिएक्शन हो सकते हैं, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में प्रॉब्लम ये है कि हमने टाइम को भी कंसीडर करना है, इसलिए ये रिएक्शन बहुत स्लो हैं, इनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और बाज़ुकात पूरी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, इसलिए इन रिएक्शन का रेट इजीली मेजर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल क्रोजन, हमारे घर के अंदर बहुत सारी लोहे की चीज़ें हैं, और जब से हमने होश संभाला है उनको जंग लग रहा है और अभी तक लगा जा रहा है, बिकॉज रस्टिंग ऑफ आयरन इज स्लो प्रोसेस, इट इज ए केमिकल रिएक्शन एंड दिस इज वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली बर्निंग ऑफ फ्यूल उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आप माचिस की तीली जला नहीं लेते, जब तक आप इग्निशन प्रोवाइड नहीं कर सकते करते उस वक्त तक फ्यूल बर्न नहीं होता। बर्निंग का प्रोसेस ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन है बिटवीन फ्यूल एंड ऑक्सीजन। अब आपने पेट्रोल का कैन, गैसोलीन का कैन रख दिया, ऊपर ऑक्सीजन भी मौजूद है, लेकिन गैसोलीन का या गैस का या डीजल ऑयल का रिएक्शन या लकड़ियों का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ नहीं होता जब तक आप इग्निशन प्रोवाइड नहीं करते। इसका मतलब है इन एब्सेंस ऑफ इग्निशन ये भी स्लो प्रोसेस है, लेकिन जो ही आप इग्निशन प्रोवाइड करते हैं दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट। सिमिलरली रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, इट इज ऑल्सो वेरी स्लो रिएक्शन, लेकिन जब आप प्लैटिनम का पाउडर ऐड कर देते हैं तो मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है, नो रिएक्शन कंप्लीट्स विद वेरी फास्ट स्पीड। पेंट का ड्राई होना, जब आप किसी लोहे की चीज पर पेंट कर देते हैं पेंट को ड्राई होने में बड़ा टाइम लगता है, ये भी स्लो रिएक्शन है। सिमिलरली घरों में कागज अगर रखे हुए हों,
इनिशियली आप पेज लेते हैं ये व्हाइट कलर के होते हैं, कुछ वक्त गुजरने के बाद इनका कलर येलो हो जाता है और ये रिएक्शन कई साल में कंप्लीट होता है। तो ये भी स्लो रिएक्शन है। द पीस ऑफ पेपर टर्निंग येलो, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्लो रिएक्शन। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर टू फॉर्म एल्कोहल, इट इज ऑल्सो स्लो रिएक्शन। केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मार्बल, एयर पोल्यूशन की वजह से एयर में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, ये मार्बल के साथ रिएक्ट करते हैं और उसकी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन ये रिएक्शन भी बहुत स्लो है। आगरा में ताजमहल को बने हुए कई सौ साल गुजर गए हैं और एयर पोल्यूशन की वजह से उसका मार्बल खराब हो रहा है, लेकिन ये रिएक्शन इतना स्लो है कि कई नस्लें गुजर गई हैं, केमिकल रिएक्शन जारी है। इसी तरह मज़ारे कैद, कैद आज़म मोहम्मद अली जना का मज़ार कराची में, उसके बाहर भी जो मार्बल लगा है उसको भी एयर पोल्यूशन की वजह से नुकसान हो रहा है, बट दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो। द रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड सिल्वर नाइट्रेट, इट इज ऑल्सो वेरी स्लो रिएक्शन। कॉपर रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर। सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन कलरलेस है, इसमें जब हम कॉपर डिप करेंगे सॉलिड कॉपर का कलर होगा रेड ऑलमोस्ट। तो रेड कलर का कॉपर सिल्वर नाइट्रेट में आप डिप करेंगे तो थोड़ी देर बाद सोल्यूशन का कलर ऐसा ऐसा वेरी स्लो रिएक्शन होगा, सोल्यूशन का कलर येलो ब्लू होना शुरू हो जाएगा। क्यों? कि सिल्वर नाइट्रेट अब कन्वर्ट हो रहा है कॉपर नाइट्रेट में। अलबत्ता ये जो कॉपर का रेड कलर था ये टार्निश होना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर सिल्वर डिपॉजिट होता रहेगा। सिमिलरली रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट, इट इज ऑल्सो स्लो रिएक्शन। अगर आप जिंक का राड डिप करें कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू कलर का है, आप इसमें जिंक का राड डिप कर दें तो ये ब्लू कलर फेड होने लग जाएगा ऐसा ऐसा, और कई घंटे गुजरने के बाद बल्कि कई दिन गुजरने के बाद ये ब्लू कलर बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा। क्यों? कि अब कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हो चुका होगा जिंक सल्फेट में। अलबत्ता ये जो जिंक का राड था ग्रे कलर का, इसके ऊपर रेडिश कलर नजर आएगा। क्यों? कि सॉलिड कॉपर जिंक के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो स्लो रिएक्शन। सिमिलरली हमने पढ़ा कि डाइजेशन ऑफ फूड इन अब्सेंस ऑफ एंजाइम, इट इज ऑल्सो वेरी स्लो रिएक्शन एंड इट मे टेक 50 years। एनदर क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेप्स, कुछ रिएक्शन एक ही स्टेप में होते हैं उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, और कुछ रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में होते हैं उन्हें कहा जाता है कंपोजिट रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन द रिएक्शन विच प्रोसीड इन सिंगल स्टेप, देयरफॉर दीज रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड सिंगल स्टेप रिएक्शंस। और केमिकल कैनेटिक्स में हम ज्यादातर एलिमेंट्री रिएक्शंस को ही डील करेंगे क्योंकि ये सिंपल होते हैं, तो हम सिंपल रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, इसलिए स्टार्ट में हम एलिमेंट्री रिएक्शन को डील करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की तरफ भी जाएंगे। ऐसे रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप्स में हों उन्हें कहते हैं कंपोजिट रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस और स्टेप वाइज रिएक्शंस। दीज रिएक्शंस प्रोसीड इन मोर देन वन स्टेप्स, इन मोर देन वन स्टेप, इसलिए इनको स्टेप वाइज रिएक्शन भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी कहते हैं। अब ये रिएक्शन जितने भी स्टेप में हों इनका रेट उस स्टेप से फाइंड किया जाएगा जो स्टेप सबसे स्लो हो। रेट ऑफ दीज रिएक्शन आर डिटरमाइंड फ्रॉम, रेट ऑफ दीज रिएक्शंस इज डिटरमाइंड फ्रॉम स्लोएस्ट स्टेप, देयरफॉर स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये याद रखिएगा कि स्टेप वाइज रिएक्शन में, अब एक रिएक्शन अगर पांच स्टेप में हो रहा है तो पांचों स्टेप का रेट डिफरेंट होगा, और उन पांच स्टेप्स में से जिस स्टेप का रेट सबसे स्लो होगा रेट ऑफ रिएक्शन उसी पर डिपेंड करेगा, और उस स्लोएस्ट स्टेप को कहेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नाउ द एग्जांपल्स ऑफ कंपोजिट रिएक्शंस आर अपोजिंग रिएक्शंस दैट आर आल्सो कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। सिमिलरली कंजक्टिव रिएक्शंस दैट आर आल्सो कॉल्ड सक्सेसिव रिएक्शंस, एंड
पैरेलल रिएक्शंस दैट आर आल्सो कॉल्ड साइडवाइज रिएक्शन एंड चेन रिएक्शंस. दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कंपोजिट रिएक्शंस. अगेन लेट मी से, अगर रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में हो तो जो स्टेप सबसे स्लो होगा रेट ऑफ रिएक्शन उसी से फाइंड किया जाएगा और उस स्टेप को कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप. द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमिनिंग स्टेप. थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कहते किसे हैं. अब तक हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि केमिकल काइनेटिक्स रेट ऑफ रिएक्शन को डील करता है और रेट ऑफ रिएक्शन के लिहाज से रिएक्शन की तीन टाइप्स हैं. और साथ हमने पढ़ा कि थर्मोडायनामिक्स रेट ऑफ रिएक्शन को डील नहीं करता. और साथ हमने ये भी पढ़ा कि अगर रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन उस स्टेप से कंसिडर लिया जाएगा जो स्टेप सबसे स्लो होगा. तो अब हमें पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन कहते किसे हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.